हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे गाइस। तो आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन के अंदर। जैसे कि गाइस, आप सबको पता है कि मैंने जितने भी कोर्सेज आपको दिए हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर, वो सारे के सारे कोर्सेज में आपने बहुत सारा प्यार लुटाया है। तो आज से मैं एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका वेट आपको बहुत टाइम से था। नेक्स्ट जेएस की सीरीज है ये, और नेक्स्ट जेएस के इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, वो तो मैं आगे चल के अभी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको डिटेल में। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सीरीज के अंदर, जैसे कि आपने जितनी भी पिछली सीरीज थी उनको प्यार दिखाया है कि लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके, तो इस सीरीज को भी उसी तरीके से प्यार दिखाइएगा। आज से मैं इस सीरीज के अंदर जो भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा वो सारी की सारी चीजें मैं आप पता चलूंगा आने वाली अपकमिंग वीडियोज के अंदर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी अच्छे लेवल पे। आपका कोई भी डाउट होगा या सारी चीजें होंगी, उन सारी चीजों के लिए आपको मेरे साथ में कैसे वन टू वन कनेक्ट करना है, उन सारी चीजों के ऊपर भी मैं आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले कि आपको यहाँ पे पता है कि दिखा रखा है आपका नेक्स्ट जीएस। ओके, नेक्स्ट जीएस का ये ट्यूटोरियल सीरीज है, पूरा कोर्स होने वाला है। बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे हम इसके अंदर, सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे कि मैंने रिएक्ट के अंदर कवर करा था। रिएक्ट जीएस अगर आपने प्लेलिस्ट देखी है, और उससे पहले बूटस्ट्रैप, फिर सीएसएस, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, सब कुछ मैंने डिटेल में कवर कर रखा है आपका। वैसे ही मैं इस सीरीज के अंदर भी डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेरी इस स्क्रीन पे तो ये आपको दिख गया होगा। देन इसके बाद में, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे साथ में वन टू वन कैसे कनेक्ट रहेंगे, या इस कोर्स से रिलेटेड चीजें आपको फ्री रिसोर्सेज कैसे डाउनलोड करने हैं, ये सारी चीजें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा प्लेलिस्ट का। कभी भी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो वहां जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाके आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर वीडियो का नंबर मैं बैनर में रख दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि टाइटल के अंदर भी वो नंबर मैं रख सकूं। ओके, एंड इसके बाद में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है गाइस, वहां पे मैं अवेलेबल रहूं, जैसे कि आपका ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या लिंक्डइन हो गया, सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जाके आप वन टू वन मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, जिससे कि आपको जब कभी भी नीड पड़े किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप मेरे को मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकें अपना। ओके, तो ये बात हो गई आपकी कि कैसे वन टू वन मेरे साथ में कनेक्ट होना है आपको। नेक्स्ट, इसके बाद में अब क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस कोर्स को ही क्यों चुने, क्योंकि इससे पहले तो बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, वो यूट्यूब की बात करें या फिर यूडीमी की बात करें या अदर प्लेटफॉर्म की बात करें। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने जब कभी भी कोई कोर्स लॉन्च करा है तो उस कोर्स के अंदर खासियत क्या रखी है मैंने कि बेसिक से एडवांस तो रहता ही है उसके साथ में, बट वहां पे मैंने रखा है आपका प्रोजेक्ट्स। इतने सारे प्रोजेक्ट्स देता हूं मैं कि जिसके बाद आपको उसके अंदर की सारी चीजें वन बाय वन करके समझ में आ जाती हैं डिटेल में। जैसे कि आपने मेरा बूटस्ट्रैप में देखा था कि मैंने आपको 30 प्लस प्रोजेक्ट्स दिए हैं वहां पे। देन रिएक्ट के अंदर मैंने इतने प्रोजेक्ट नहीं दिए, यस, बट जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स दिए हैं वहां पे आपको, आपने देखे हैं वो टॉप क्लास लेवल के हैं, राइट। एंड देन इसी वही सेम पैटर्न में यहाँ पे भी फॉलो करूंगा, जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा वो टॉप लेवल के होंगे, सारी डिटेल में होंगे, जिससे कि आप नेक्स्ट जेएस में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सके अपना। ओके, तो सबसे पहले आपने कोर्स के बारे में जाना कि कोर्स के अंदर मैं क्या क्या रख रहा हूं। देन यहाँ पे मैंने पॉइंटर्स बना रखे हैं कि इस कोर्स के अंदर होगा क्या और आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो पहले कि जैसे मैंने आपको बताया, सारी चीजें कवर करूंगा मैं कि जितने भी इनके टॉपिक हैं, बेसिक से लेके एडवांस, ठीक है, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, एपीआई राउट्स क्या होते हैं, सारे फंडामेंटल्स, वो सारे कवर करूंगा मैं इस कोर्स के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद में इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे दूंगा आपको कि जिससे कि आप प्रिपेयर हो सके इंटरव्यू के लिए, क्योंकि डे बाय डे मार्केट के अंदर नेक्स्ट जेएस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट ईयर से, थोड़ा सा जब से इनका अपडेट आया है, रेगुलर अपडेट्स आ रहे हैं इनके, तब से इनका थोड़ा सा बूम आ रहा है मार्केट में। मैं दिखाऊंगा अभी कि लास्ट 2 साल के अंदर नेक्स्ट जेएस ने कितनी ग्रोथ ली है मार्केट के अंदर, ये सारी चीजें भी मैं डिटेल में कवर करूंगा आज ही इसी वीडियो के अंदर। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट कि रिएक्ट आनी चाहिए या नहीं। अगर आपको रिएक्ट आती होगी इस कोर्स से पहले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो रिएक्ट के अंदर मैंने पढ़ाए हैं आपको, वही सारी चीजें यहाँ पे भी यूज होने वाली है, और उसके बाद में एक्स्ट्रा चीजें जो नेक्स्ट जेएस ऑफर करता है, क्योंकि ये एज अ फ्रेमवर्क है। ओके, अब फ्रेमवर्क क्यों है वो आगे चल के मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा या जितनी भी चीजें कोर्सेज मैंने आपको दिए हैं आज तक और वीडियोज होने वाली है, सबके सोर्स कोड अवेलेबल होंगे गिटहब पे और मेरी वेबसाइट पे codeforeducation.com पे। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट कि मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, उसके छोटे छोटे एग्जांपल्स, सेम थ्योरी के बाद में सीधा एग्जांपल्स करके दिखाऊं, जिसके बाद में आप प्रैक्टिस कर सके उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा कि जितने भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं मेरे से, या तो आप कमेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके,
या फिर आप जाके इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्टली 1-to-1 मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा मैं उस चीज का। इसके बाद है नेक्स्ट, बिल्ड अ प्रोजेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट्स दूंगा ही मैं आप सभी को, और कितने दूंगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बट जितने प्रोजेक्ट्स होंगे वो टॉप क्लास लेवल के होंगे गाइस, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, ऑनगोइंग अपडेट्स। जितनी भी अपडेट्स आते रहेंगे फ्यूचर में भी, जब कभी भी अपडेट्स आएंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद में, मैं सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता रहूंगा और वो सारी वीडियोस इसी एक प्लेलिस्ट के अंदर एड ऑन करता रहूंगा यहाँ पे, ओके। इसके बाद है 9, बोनस पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट ईयर तो आपको मैं पढ़ाऊंगा इस कोर्स के अंदर, बट मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूंगा कि इस कोर्स के अंदर मैं आपको पढ़ा सकूं आपका टाइप स्क्रिप्ट विद नेक्स्ट ईयर टेस्ट केसेस विद जेस्ट, ओके, एंड नेक्स्ट ऑर्थ कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कि कैसे लॉग इन करवाना है, साइनअप करवाना है, फॉरगेट, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोजेक्ट के थ्रू दे सकूं और पढ़ा सकूं इस कोर्स के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका बेस्ट प्रैक्टिस कि कैसे आपको फास्टर एप्लीकेशन बनानी है, एसईओ फ्रेंडली बनानी है, मैनेज कैसे करना है, ये सारी के सारी चीजें मैं इसी के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हुए चलूंगा पूरे कोर्स के अंदर, जिसको आप सब फॉलो करेंगे, ओके। तो ये पहली बात आप समझ गए कि आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है और आपको क्यों ज्वाइन करना है। वो सारे कोर्सेज जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, मैं उन्हें खराब नहीं कह रहा, अच्छे हैं, बट जो मैं कोर्स आज बना रहा हूँ ये लेटेस्ट अपडेट के साथ बना रहा हूँ और इसके अंदर सारे लेटेस्ट अपडेट्स इंक्लूड रहेंगे, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है कि आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेंशन कर रखा है आपका HTML आपको पता होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आपको आना चाहिए, एडवांस जावास्क्रिप्ट जिसे ES6 कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट JS पता होना चाहिए और बेसिक आपको नोट JS जो कि इंस्टॉल करके NPM रन करते हैं वो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने कोई भी चीजें पढ़ी हैं लाइक आपने HTML, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं तो आपको इसका आइडिया होगा कि ये चीजें मैं क्या बात कर रहा हूँ फिफ्थ नंबर पे जो मैंने मेंशन कर रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा, सारी चीजों को मैं अभी आगे चल के बताता हूँ कि कहाँ से पढ़ना है आपको, ओके। उससे पहले इस कोर्स में है क्या 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 चीजें करेंगे वो देख लेते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट में है आपका व्हाट इज अ नेक्स्ट JS, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये इंटरव्यू में पूछा भी जाएगा आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले एक सिंगल लाइन में मैंने इसका आंसर रखा है यहाँ पे आपका, नेक्स्ट JS इज अ फ्रेमवर्क बिल्ड ऑन टॉप ऑफ रिएक्ट JS। अब आप ये सोचेंगे कि जब नेक्स्ट JS मार्केट में इतना पॉपुलर हो चुका है, इतनी जॉब्स हैं, तो नेक्स्ट JS की रिक्वायरमेंट क्यों लग गई हमें। देखिए नेक्स्ट JS इसीलिए फ्रेमवर्क के रूप में हमें मिल रहा है, अभी जो रिएक्ट है हमारा, उस रिएक्ट के अंदर बहुत सारी थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी पड़ती थी जिनकी डिपेंडेंसी थी, ओके। उन सारी डिपेंडेंसी को नेक्स्ट JS खत्म करता है, वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर सारी चीजें अवेलेबल करवा के हमें दे रहा है, जिसकी वजह से हम वहां पे इजी और मैनेजेबल ऐप बना सकते हैं वहां पे, ओके। ये बहुत सरल भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद है नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है फीचर्स, सारे रिएक्ट के फीचर्स होने वाले। जस्ट आप ये कह सकते हैं कि रिएक्ट एक इसका हार्ड है और उसके बाद में जितने भी इसके पोर्शंस हैं बॉडी के, उसके बाद में सारी चीजें आपका नेक्स्ट JS मेंटेन कर रहा है, ओके। इसके बाद है थर्ड पॉइंट आपका, जितने भी फीचर्स हैं जो भी नेक्स्ट JS में मिलते हैं उसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ कि राउटिंग हो गया। राउटिंग में आपका कैसे इजी डिफरेंट पेजेस को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत इजी है, बहुत इजी, ओके। मिडल वेयर कैसे आपको हैंडल करना है यहाँ पे नेक्स्ट JS के अंदर, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, कैसे आपको उसको अपने कंटेंट के साथ में पेज पे फास्टर लोडिंग करवाना है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं इस नेक्स्ट JS के एप्लीकेशन के अंदर। देन इसके बाद में आपका स्टैटिक साइट जनरेशन कैसे करते हैं, कैसे बनाया जाता है नेक्स्ट के अंदर, ये सारी चीजें हम देखेंगे गाइस, ओके। एंड देन लास्ट, नेक्स्ट JS क्यों यूज करते हैं, सेम जैसे रिएक्ट यूज करते थे आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, बट यस कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन यहाँ पे बन सकती है बहुत इजिली, क्योंकि बहुत सारी चीजें देता है नेक्स्ट JS। आज मैं इन सारी चीजों के ऊपर तो मैं इतने डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोर्स अगर मैं अभी ही सारी चीजें बताने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बट यस आगे चल के अपकमिंग वीडियोस के अंदर आपको डे बाय डे करके बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि नेक्स्ट JS के अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलती है, ओके। इसके बाद है कुछ और चीजें कि नेक्स्ट JS, वाई नेक्स्ट JS ही, क्योंकि और कुछ भी तो पढ़ सकते थे हम रिएक्ट के बाद में। देखिए सबसे पहले सर्वर साइड रेंडरिंग जिसे हम SSR कहते हैं, ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लोडिंग टाइम्स आपका फास्ट हो जाता है, SEO फास्ट हो जाता है, एप्लीकेशंस बिग एप्लीकेशंस को मैनेज करना बहुत इजी है, इसीलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट JS पढ़ रहे हैं, ओके। देन इसके बाद है SSG, इट मींस कि स्टैटिक साइट जनरेशन, जो प्री बिल्ड पेजेस होते हैं उसके परफॉर्मेंस को कैसे इनहेंस करते हैं नेक्स्ट JS के अंदर, वो हम यहाँ पे सीखेंगे इस कोर्स के अंदर, ओके।
देन इसके बाद में ऑटोमेटिक राउटिंग, ये सबसे इजी है। आपने देखा होगा वहां पे जाके हमें करना पड़ता था रिएक्ट के अंदर, बट यहाँ पे हम बहुत इजी तरीके से इसे मैनेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखेंगे। ओके इसके बाद है नेक्स्ट एपीआई राउट्स, कैसे एपीआई राउट्स को हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं एंड उस फ्रेमवर्क के अंदर कैसे चीजें चला सकते हैं एक ही जगह पे रखने के बाद में। ओके तो ये सारे पॉइंट्स आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं इस कोर्स के अंदर आपको दे रहा हूँ, बहुत कुछ दे रहा हूँ, ये जस्ट उसका एक छोटा सा पार्ट है गाइस। इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जैसे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, की ऑटोमेटिकली इमेज ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, कैसे फास्ट लोड करवाना है उसे ब्राउजर के ऊपर, ये सारी चीजें। ओके देन सीएसएस से रिलेटेड हो गई, सैस का सपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत पहले से ही इसके अंदर चीजें मिलती हैं, हमें अच्छे तरीके से सेटअप कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है उसका, वो सब देखेंगे आगे चल के। ओके अब ये बात हो गई आपकी कि नेक्स्ट जेएस क्यों पढ़ना चाहिए आपको, मेरे ही कोर्स को क्यों ज्वाइन करना है आपको, और नेक्स्ट जेएस के अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, एक छोटा सा मैंने आपको डेमो दिया अभी। आप में से बहुत सारे लोग पुराने हैं, बहुत सारे लोग नए हैं, तो मैं उनको पहले अपने चैनल पे लेके चलना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि मैंने आज से पहले कौन कौन से कोर्सेस दिए हैं। तो चलिए यहाँ चलते हैं सबसे पहले अपने चैनल पे। सो गाइज यहाँ पे YouTube पे आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे कोड फॉर एजुकेशन का यहाँ पे चैनल दिख रहा है। ओके जितनी भी वीडियोस मैंने आज तक बनाई है सारी प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर मैंने मैनेज करके रखी हुई है, और रिसेंटली तो मैंने आपका ये कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसमें आपको मैं जॉब से रिलेटेड डेली बेसिस पे अपडेट्स दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी आ रखी है, कैसे अप्लाई करना है आपको फ्रेशर के लिए, इंटर्न के लिए या जॉब परमानेंट जॉब के लिए, वो सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिखेंगी और वो आगे भी फ्यूचर्स में मिलती रहेंगी वीडियोस। कॉलेज से कॉर्पोरेट में कैसे आना है ये चीज मैंने यहाँ पर रखा है, बता रखा है वीडियोस के थ्रू। रिएक्ट के इंटरव्यूज की सीरीज की, रिएक्ट के प्रैक्टिकल मॉक इंटरव्यूज कैसे लिए रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अब्रॉड जाना है आपको तो कैसे और मैंने कैसे क्रैक करा था, ये सारी चीजें। रोड मैप की वीडियोज मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। रिडक्स टूल किट विद रिएक्ट लेटेस्ट 18 के साथ मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है आपको। मैंने V6 के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है आपकी, रिएक्ट हुक्स के ऊपर बना रखी है मैंने, रिएक्ट ट्यूटोरियल जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है गाइज, जाएं देखें बहुत कुछ है सीखने के लिए। रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास में, देन आपके जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस, एडवांस जावास्क्रिप्ट पोर्टफोलियो, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल जो कि बेसिक्स है, बूटस्ट्रैप 5 के प्रोजेक्ट्स, रिस्पॉन्सिव HTML CSS, जितने भी लाइव सेशन लिए हैं मैंने या जितने भी आपके वेब एप्लीकेशन के अंदर कंपोनेंट्स लगते हैं पेजेस से रिलेटेड या अदर थिंग्स, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर कर रखी है इस चैनल के ऊपर। दैट्स व्हाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक चैनल के ऊपर कोड फॉर एजुकेशन के ऊपर फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सारी चीज अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड देन इसके बाद में कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड देन इसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्स कोड कहां से मिलेगा, तो ये हमारा गिटहब का पेज है गाइस, यहाँ पे जाके मैंने जितनी भी रेपोस्ट्री अभी तक बना रखी है जाके डाउनलोड कर लीजिए, यूज करिए और बताइए कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको। इसके बाद है नेक्स्ट, जो भी चीजें वहां पे अवेलेबल नहीं है गिट पे वो हमारी वेबसाइट पे मिलेगा कोड फॉर एजुकेशन पे गाइस, जाके कोड फॉर एजुकेशन से डाउनलोड करें एंड यूज करें। एंड गाइस जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे से 1-to-1 कनेक्ट भी होना चाहते होंगे करियर से रिलेटेड बात करने के लिए, तो आप टॉपमेट के इस लिंक को ओपन करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ में 1-to-1। मैं आपको सारी पॉसिबिलिटीज हेल्प करूंगा कि जितने भी आपके जॉब से रिलेटेड हो या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड हो सारी चीजें। ओके अब बात करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जेएस का आपका ट्रेंड कैसे पता कर सकते हैं, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट जेएस लिखा है और लास्ट 2 साल में आप देखेंगे कि पहले कितने डाउनलोड से, फिर इसका पीक आया एकदम से 2023 के अंदर, ओके फिर एकदम से नीचे, फिर दोबारा पीक देके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ओके ये 2 साल का मैंने लगा रखा है, अगर मैं 6 महीने का लगाऊं यहाँ पे तो 6 महीने में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए कितना पीक आ रहा है इसका, ठीक है, तो ये धीरे धीरे और बढ़ेगा ही। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट जेएस सीखना इतना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैं ये सीरीज और ये पूरा कोर्स बना भी रहा हूँ। ओके अब आप कहेंगे कि जब रिएक्ट अवेलेबल है मार्केट में तो नेक्स्ट ही क्यों, क्योंकि सारी चीजें तो रिएक्ट कर पा रहा है, नहीं गाइज, जब आप रिएक्ट की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने खुद मेंशन कर रखा है कि जब आप बिल्ड कर रहे हैं अभी कोई भी लेटेस्ट एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इनके फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोड स्प्लिटिंग से रिलेटेड, राउटिंग से रिलेटेड, डेटा फेचिंग से रिलेटेड, जनरेटिंग HTML से रिलेटेड, और ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन करी और टॉप पे रखा है नेक्स्ट जेएस को। इसके बाद इन्होंने रखा है यहाँ पे रिमिक्स को, देन इसके बाद इन्होंने रखा है गेट्स बाय को, और सारी फिर इसके बाद रखा है एक्सपो को, बट टॉप पे रखा है इन्होंने नेक्स्ट जेएस को। ओके जब कभी भी आप न्यू एप्लीकेशन बना रहे हैं रिएक्ट की तो वहां पे भी ये नेक्स्ट ही यूज कर रहे हैं गाइस। ओके
और इसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि नेक्स्ट की वेबसाइट। तो देखिए नेक्स्ट की वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करिए और समझिए और देखिए। ओके, तो ये मोटा मोटा आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा कुछ नेक्स्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका कि इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, सेटअप कैसे करना है, कौन कौन सी फाइल्स हमें मिलती हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी गाइस। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें गाइस, और जितना ज्यादा हो सके अपने प्राइवेट पब्लिक सारे ग्रुप्स में वायरल करें इस वीडियो को, कि जितने ज्यादा लोग सीख सकें इस कोर्स को भी उनके लिए बेहतर होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में गाइस, जब के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।